दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोगों ने एक आप लोगों को 5 EMA की स्ट्रेटेजी मैंने प्रोवाइड की है, तो आप लोगों ने अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, वहाँ डिटेल में चीजों को समझ पाओगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका फ्राइडे को क्या हुआ इसमें, या जैसा कि हम लोग बात करते हैं ये मूव किस तरह कैसे शार्क मूव कैप्चर करा सकता है ये स्ट्रेटेजी, तो उस पर ही हम लोग बात हमेशा करते रहते हैं। देखो हमने हमेशा बात की है, मैंने डिस्कस किया है इसमें कि इस स्ट्रेटेजी में फ्रीक्वेंट एसएल हिट होते हैं। बट देखो एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉस को आपको डिसाइड करके रखना होगा कि कितना लॉस लेना है, ये आपको डिसाइड करके रखना होगा, है ना। देखो बात सीधी है, अगर आप जो भी इसमें स्ट्रेटेजी में एसएल है, स्टॉप लॉस जो भी है, वो अगर आप ले सकते हो तो ही इस ट्रेड को करो, अदरवाइज मत करो इसको, है ना। सारी स्ट्रेटेजी सभी के लिए तो सही नहीं हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी बहुत सारी है बट सभी हर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें करना क्या है, स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, बस यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो आप लाइन देख रहे हो ये क्या है, ये 5 EMA है, ठीक है। कुछ नहीं, आप जो भी यूज कर रहे हो ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू में भी मूविंग एवरेज डालना, EMA डाल देना, वहां पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक कर लेना है और डिफॉल्ट सेटिंग में जाना है। डिफॉल्ट में 9 होगा, इसको चेंज करके 5 कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे कि ये मूविंग एवरेज है। तो देखो मैंने हमेशा कहा है कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज के साथ मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, मैग्नेट की तरह। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो देखोगे मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा, या मूविंग एवरेज ऊपर अगर है तो प्राइस ऊपर जाके इसमें टच करेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो होता क्या है, जब ये मूविंग एवरेज प्राइस से दूर हो जाता है, कैंडल कह लो प्राइस कह लो, एक्चुअल में ये प्राइस ही तो है ना, तो प्राइस अगर दूर हो जाता है तो ये ऊपर जाएगा ही, ठीक है, या मूविंग एवरेज नीचे चला गया तो प्राइस नीचे आएगा ही, यहां तक ठीक है। तो ये जो दूर जो जाता है, डिस्टेंस जो बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा अलर्ट कैंडल बन जाता है, ठीक है, अलर्ट कैंडल बन जाता है। तो अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने पे, लो को ब्रेक जब करेगा तो एंट्री हमारी उसमें बनेगी, क्लियर है। तो यहां देखोगे ये अलर्ट कैंडल बना, ये भी अलर्ट कैंडल है, ये भी अलर्ट कैंडल है, ये लो अलर्ट कैंडल तो बना बट ये लो को ब्रेक इसने किया नहीं। थोड़ा हम लोग इसको बड़ा करके देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां देखोगे आप लोग कि ये ब्रेक तो किया बट डिफरेंस 1 पॉइंट का लगभग था, तो प्रीमियम कहीं ना कहीं वहां नहीं मूव करेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रीमियम भी देखना है। ये स्पॉट चार्ट है और ये ऑप्शन है, ठीक है, प्रीमियम है, ऑप्शन या प्रीमियम है ये, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे ही इसमें करना है। तो यहां देखोगे ये टाइमिंग जो है इस कैंडल की 9:20 की है, 9:20 की है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है 9:20 की कैंडल है, इसके लो को ब्रेक करने पे हमारी एंट्री बनेगी और प्रीमियम में भी हम लोग उसी तरह एंट्री करेंगे। तो उसमें क्लियर रखना है एसएल होगा 40 पॉइंट का और ये एसएल मैक्स है, मैक्सिमम एसएल है, ठीक है, इससे मैक्सिमम नहीं लेना है, ये मैक्सिमम एसएल है। ये गया, इट मींस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है यहां से, क्योंकि ये आप लोग बात समझोगे कि ये रिवर्सल का ही ट्रेड है ना, तो ये रिवर्सल का ही ट्रेड है। तो एसएल हमारा क्या होगा, 40 पॉइंट का एसएल होगा और ये मैक्स होगा, टारगेट 1:2 मिनिमम रखेंगे, ये 1:9 1:10 मैक्सिमम दे देता है बट बिगिनिंग में नहीं, उतना पॉसिबल नहीं होगा लेना, बट धीरे धीरे करके हम लोग एटलीस्ट 1:2 1:3 लेंगे एक फ्लो में जो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एंट्री बनेगी
यहां पर एंट्री बनेगी, इसके लो को ब्रेक करने के बाद यहां पर एंट्री बनेगी 920 के बाद वाले में। प्रीमियम भी हम लोग देख लेंगे, यहां देखते हैं फिर, आप लोगों ने देखा ही होगा क्या हुआ है मार्केट में, है ना, क्या हुआ यहां तक देख लो, ठीक है। तो प्रीमियम में अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा प्रीमियम क्या होगा, 150 से 200 रुपीज के बीच का प्रीमियम हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन में, जो भी इस रेंज में चलेगा। स्ट्राइक प्राइस के बारे में नहीं सोचना है, प्रीमियम यही चूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। तो 920 के बाद का कैंडल यानी 920 के हाई को ब्रेक करने पे हम लोग एंट्री करेंगे इसमें, क्लियर है यहां तक। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जरा, यहां देखोगे एंट्री बनती है हमारी, ये आप लोग देखोगे ये कैंडल, इसके हाई को ब्रेक करने पे एंट्री हमारी होगी, तो लगभग 150-155 के आसपास एंट्री हमारी बन जाएगी, 155 मैक्सिमम 155 पे एंट्री हो जाएगी हमारी। एसएल होगा हमारा 115 रुपए पे, ठीक है, एसएल होगा 115 रुपए पे, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एसएल, ठीक है। तो फ्लो में क्या है, 150 में मान लो एंट्री हमारी हो गई, फ्लो में जो मिलेगा उसको हम लोग लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ देखोगे कि लगभग डबल हो गया यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये फ्लो ही है। यहाँ आया, देखो एक रेड कैंडल तक वेट कर सकते हो आप, उसके बाद अगर बनता है तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहां तक वेट कर सकते हो इजी वे में, यहाँ ही लगभग 250 इजी वे में हो गया, यहाँ देखोगे 300 भी क्रॉस किया, 320 लगभग हो गया था। तो यहाँ निकाल दो या यहाँ निकाल दो, एक बार एग्जिट आप कर सकते हो, नहीं तो अगर ट्रेल करना है तो फिर आपको 1:2 पे ले जाकर छोड़ देना, इट मीन्स 230 रुपए पे एसएल आपको रख देना था अगर ट्रेल करते। उसके बाद ये गया कहाँ तक, लगभग 725 तक ये गया, थोड़ा हम लोग ऊपर भी देख लेते हैं। तो 725 ने 755 के आसपास तक गया, है ना, देखोगे आप लोग 700, यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है इसका हाई, 757 के आसपास, 757 तक ये गया, 150, देखो 153 में ही एंट्री मिल जाती, बट 155 ही हम लोगों ने राउंड ऑफ किया उसको, तो 600 रुपीज इसमें मिल सकते थे प्रॉफिट, है ना। तो मैंने हमेशा कहा है कि ये फ्रीक्वेंट एसएल लेता है, ये नहीं है कि एसएल नहीं लेता, ये एसएल लेता है बट डिसाइडेड एसएल लेता है। टारगेट ये क्या क्या दे सकता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यूज आपको स्पॉट और ऑप्शन दोनों करना है, एंट्री आपको ऑप्शन चार्ट में करनी है, और एंट्री किससे करना है, कहाँ करना है, अलर्ट कैंडल के लिए, ये आपको देखना है। तो ये फायर्स का मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे लिंक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो आप दो बॉक्स बना के दो चार्ट वगैरह देख सकते हो, तो वो देख सकते हो इजी वे में, तो आप इस पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।